हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। यार एक मूवी देखी है जिसका नाम है यशोदा। हाय 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 भाई, साउथ वालों क्या मूवी बनाते हो यार, क्या मूवी बनाते हो यार। आप यशोदा को देख लो यार, कंटेंट जबरदस्त, बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त, सबसे बड़ी चीज जिस तरीके से स्टोरी। अच्छा आपको पता होगा ट्रेलर में हमने देखा था कि भाई इस ट्रेलर के अंदर वो पूरे के पूरा सेरोगेट मदर जो होती है, जो कि भाई गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोगों के लिए बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, बच्चा किसी और का, उसके बदले में पैसा मिलता है, उस टॉपिक को यूज करके जिस तरीके से हमको एक अलग तरीके का एक मूवी दिखाया है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स, आय हाय 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 हाय, जो इमोशंस, क्या बोलूं इस मूवी के बारे में यार। देखो सबसे पहले क्लियर कर दूं भाई, हमारे रिव्यू में आपको थोड़ा बहुत स्पॉइलर मिलेगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा बहुत मिलेगा, आपका मजा किरकिरा नहीं होगा। बट भाई देखो यार, भाई जब मैं मूवी देखता हूं ना, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो इमोशंस है, जो मेरा फील आया इस मूवी को देखने के बाद, वो फील आपको भी आना चाहिए। सो इस वजह से थोड़ा बहुत स्पॉइलर दे देता हूं। एनीवेज यार देखो, सबसे पहले तो मूवी का स्टार्ट जो होता है ना, जिस तरीके से मूवी का स्टार्ट होता है, एक लड़की होती है, वो पता नहीं उसको जूस में मिला के एक भाई वहां पर उसको उसका मर्डर कर दिया जाता है, ड्रग्स के अंदर जहर पता नहीं क्या दिया होता है उसको। वहां से जो मूवी पहले 2 या 3 मिनट के बाद मूवी जो स्टार्टअप लेती है ना भाई, वही से ही मूवी का कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये यशोदा नाम की जो हमारी हीरोइन है, हाय हाय हाय, मतलब क्या बोलूं, क्या एक्टिंग की है इसने, मतलब जिस तरीके से भाई भाई जब वो भाई अपनी बहन के उसके अंदर एक भाई एक चीज है अपनी बहन के लिए, उसको पैसे चाहिए, तो सेरोगेट मदर का ऑफर आता है तो कर लेती है, उसको पैसे मिलते हैं उसके बदले। भाई वही तो मेन वहां पे कहानी स्टार्ट होती है, जब वो उस हॉस्पिटल में जाती है, वो जो बोलेंगे वही खाना है, वो जो बोलेंगे वही करना है, जिस तरीके से भाई वहां पे जो डायलॉग डिलीवरी, भाई जिस जब वहां पे एक डायलॉग आता है कि यहां की हर चीज आपकी है, बस आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना उसको छोड़ के, जो इमोशंस, जो डायलॉग एंड उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो यशोदा का वो कैरेक्टर, वो हॉस्पिटल में जो चीजें हो रही है, एक लव स्टोरी भी चल रही है, बट वो लव स्टोरी का क्या एंगल है वो आपको लास्ट में पता चलेगा, एंड उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ना मूवी के अंदर, मैं आपको क्या बोलूं यार। यार मतलब जो सेरोगेट मदर का एक टॉपिक को उठा के बैक साइड में एक और स्टोरी चल रही है, अरे भाई जब इंट्रोल पड़ेगा उसके बाद, इंट्रोल के बाद तो आपका दिमाग जो हिलने वाला है ना अंदर से, कि भाई कौन सी कड़ी को कहां जोड़ दिए ये लोग, कहां जोड़ दिए। एंड यशोदा का जो कैरेक्टर है भाई, स्टार्टिंग से लेके हमको स्टार्टिंग में तो बहुत एक ऐसा लगता है यार कितनी भोली बंदी है, क्या है वो है ये भाई, इंट्रोल के बाद लास्ट के 30 मिनट्स भाई यशोदा के कैरेक्टर को आप इतना एंजॉय करोगे, उठ के तालियां बजाओगे कि भाई क्या सस्पेंस खोला है लास्ट में, क्या क्लाइमेक्स बनाया लास्ट में, आय हाय हाय, मतलब एकदम मजाक नहीं कर रहा, एकदम हिला डाला ये लोगों ने। उसके बाद यार वो जो है, मैं आपको यार थोड़ा सा यार बता रहा हूँ, प्लीज यार माफ कर देना मेरे को भाई। इसके अंदर वो जो मदर होती है, राइट, ठीक है, जिस तरीके से वो सेरोगेट मदर होती है, पहले तो मैं कुछ डायलॉग्स आपको बताता हूँ भाई, वो जो इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है ना भाई, वहाँ पर एक बात चल रही होती है कि कुछ लोग है ना वो इतने गरीब लोग होते हैं कि गरीब लोगों को पैसों का झांसा देके एक और चीज़ है भाई, सरोगेट मदर होती है, लाइक जो लड़कियों का जो एक्सपीरियंस, जो उनका दर्द होता है वो सॉल्व करने की कोशिश, उसमें एक सरोगेट मदर में एक और मदर होती है, वहाँ पर वो बोलती है कि भाई मेरा जो जन्म है ना रेड लाइट एरिया में हुआ था, तो उस चीज़ से दूर रखने के लिए मेरे को गाँव भेज दिया मेरी माँ ने, तो भाई उनको उस चीज़ बाहर निकालने के लिए पैसों की जो जरूरत होती है वो ऐसे काम कर रही है। या फिर आप दूसरे एंगल से ले लो, एक और एंगल इसके अंदर आता है जो इमोशंस बहुत जबरदस्त है, ठीक है, वो उसके जो मम्मी पापा होते हो, लड़की को हमेशा बोलते हैं कि भाई मेरे को तो लड़का ही चाहिए था, तो भाई वो लड़का बनने के लिए वो सिगरेट पीती रहती है, मतलब जिस तरीके से भाई, मतलब हमको जो भाई वो एक सीख देना होता है ना भाई, जबरदस्त तरीके का यार, जो हमको सीख दे रहे हर एक चीज के, भाई देखो लड़कियों की इंपॉर्टेंस समझो। एंड के बाद सबसे अच्छी चीज भाई, ये जो सेरोगेट मदर का जो स्कैम चल रहा है भाई, ये स्कैम है, एंड ये स्कैम किस तरीके से है, क्या है, ये सेरोगेट मदर में से किस तरीके से हमको एक अलग एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, एक अलग हमको टर्न देखने को मिलेगा, ये चीज चल क्या रही है, पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, ये लोगों को इस तरीके से गरीब लड़कियों को क्यों झांसे में लिया जा रहा है, क्या पूरे के पूरा एंगल आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। एक्टिंग की बात करो, इमोशंस की बात करो, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करो, ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करो, क्लाइमेक्स की बात करो, अरे भाई यशोदा की एक्टिंग की बात करो, एंड जो कैरेक्टर है, हाय हाय हाय, मतलब क्या निभाया है यार, हर एक चीज आउटस्टैंडिंग यार, मजा आ गया। एंड इस मूवी को मैंने इतना एंजॉय किया ना, हर एक चीज, हर एक फ्रेम इतना ब्यूटीफुल लगा, इतना जबरदस्त लग रहा है मेरे को, एकदम मजा आ गया भाई, एकदम मजा आ गया। एंड प्लीज इस मूवी को देखो आप लोग, ये सरोगेट मदर वाला टॉपिक, इसके अंदर इमोशंस, जब लास्ट में क्लाइमेक्स आते आते पूरा जो स्टोरी चेंज हो जाएगा, पूरा ये स्कैम किस तरीके से हो रहा है, ये जो धोखाधड़ी किस तरीके से लोगों के साथ हो रही है, ये
जिस तरीके से टर्न अराउंड पकड़ेगा, जिस तरह से भाई टर्न पकड़ेगा क्लाइमेक्स आते आते, आप एकदम पागल हो जाओगे इस मूवी के। एकदम मजा आ गया यार, एंड मैं तो एकदम खुश हो गया, एकदम मजा आ गया। कल एक बल भाई, कल इंडिया हार गया था, बहुत थोड़ा टेंशन में था, बट इस मूवी को देख के नाउ मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ। एंड अलग कंटेंट देखने को मिलता है, अलग मूवी देखने को मिलता ना तुम्हारे भाई का, यही मतलब यही अंदाज देखने को मिलेगा। मतलब मजा आ गया, एकदम जबरदस्त, एकदम भाई स्टोरी राइटर, डायरेक्शन, जितना भी मतलब जिसने भी इस मूवी को बनाया ना, एकदम प्योर, एकदम भाई डायरेक्शन की तो क्या बात करूं यार। एक मिनट भी ऐसा नहीं आया कि भाई मैं बोर हो रहा हूं यार, एक मिनट भी ऐसा नहीं आया, इतना जबरदस्त मूवी देखने को मिला है। एनीवेज यार, यशोदा प्लीज जाके देखो, थिएटर में जाके देखो एंड इस मूवी को एंजॉय करो। ये मूवी आपको निराश नहीं करेगी, इसमें आपको थ्रिल, सस्पेंस, इमोशंस प्लस हर एक चीज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपको सीख देखने को मिलेगी कि भाई मतलब किस तरीके से गरीब लोगों का शोषण होता है, किस तरीके से गरीब लोगों को लूटा जाता है स्कैम के नाम पे, पैसों के नाम पे और लालच के नाम पे, ये आपको सीखने को मिलेगा। सो प्लीज वॉच दिस मूवी, दिस इज अ प्योरली मास्टरपीस। एकदम मजा आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जाना, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।